हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी आई एम निशु रावल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट द इनफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑफ साइकालजी ऑनअर कोर्सेस ऑफ इग्नू एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कंटेंट सो बिफोर जंपिंग टू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम बी पी की यूनिट फॉर परसेप्शन टाइप्स एंड एरर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस जिसमें हमने बाइनोक्र क्यूज मोनोक्लियर क्यूज रेटिनल डेस्पेरिटी और कन्वर्जेंस इन सब के बारे में पढ़ा था और यूनिट के इस पार्ट में हम मूवमेंट ऑफ परसेप्शन साइज़ ऑफ परसेप्शन और टाइप्स ऑफ इल्यूजन एरर्स इन परसेप्शन इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस इस पार्ट में तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जाकर के जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब स्टार्ट कर देते बिना देर लगे फर्स्ट मूवमेंट परसेप्शन मूवमेंट परसेप्शन क्या होती है मूवमेंट परसेप्शन इज़ आवर एबिलिटी टू टू जज डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूवमेंट परसेप्शन क्या होता है ये हमारी एबिलिटी कि हम किस तरीके से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है कोई भी स्टेमलाइट तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड को हम जज करते हैं उसे बोलते हैं मूवमेंट परसेप्शन एक तो होता जब कोई चीज़ जो है वो स्टेशनरी है मतलब कि वो रेस्ट पोजिशन पर वो मूव नहीं कर रही है उसकी उसका हम जो है डायरेक्शन उसकी जो मतलब उसको हम परसीव कर रहे हैं और दूसरा होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है उसकी डेप्थ डिस्टेंस इसको परसीव करना ये सब क्या होता है मूवमेंट परसेप्शन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हम उसकी डायरेक्शन और स्पीड को जज कर रहे हैं ये होता है मूवमेंट परसेप्शन अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मूवमेंट परसेप्शन में उनको हम पढ़ेंगे किन के जरिए किस किन फैक्टर्स के थ्रू हम मूवमेंट परसेप्शन को जान सकते हैं जिसमें फर्स्ट है रेटिनल मोशन तो रेटिनल मोशन क्या होता है रेटीनल मोशन वैन एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स इमेज ऑन रेटिना ऑल्सो मूव्स तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जब वो मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटीना में वो भी उसके साथ मूव करते हैं जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करता है वैसे वैसे उसकी इमेज हमारी रेटीना पे हमारे आइस की रेटीना पे वो भी मूव करती है दिस मोशन ऑफ दि रटीनल इमेज इज डिटेक्टेड बाई स्पेशल विजुअल न्यूरोन्स विच आर सेंसिटिव टू डे टू चेंज इन मोशन एंड डायरेक्शन और ये जो दिस मोशन ऑफ रेटिनल इमेज और ये जो चेंज होता है ये जो मोशन होता है रेटिनल इमेज का वो किससे डिटेक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स होते हैं कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं विजुअल न्यूरॉन्स, जो कि इस मोशन के चेंज को डायरेक्शन में जो चेंज होता है मोशन में जो चेंज होता है उससे डिटेक्ट करते हैं उससे पता लगाते हैं कि कब चेंज हो रहा है कैसे कैसे चेंज हो रहा है तो क्या होता है इसमें कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पर जो बनती है वो भी साथ साथ मूव करती रहती है जैसे ऑब्जेक्ट मूव करके हमारे रेटिना पर इमेज भी मूव करेगी तो उस टाइम पे क्या होता है कुछ सेंस कुछ स्पेशल न्यूरोन्स होते हैं विजुअल न्यूरोन्स होते हैं वो जैसे ही कोई मोशन में चेंज होता है डायरेक्शन में चेंज होता है उसे डिटेक्ट करते हैं वो से डिटेक्ट करते हैं कि हाँ मोशन में चेंज हो रहा है अब डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर जो वो रेटिनल इमेज है वो चेंज हो रही है और वो हमारी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है तो इस तरीके से इन दिस वे वी परसीव मूवमेंट तो इस तरीके से हम मूवमेंट को परसीव करते हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ भी चीज़ मूव कर रही है नेक्स्ट क्या है सेकेंड मोशन आफ्टर इफेक्ट एम ए ई मोशन आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है एम ए ए में इफ यू फिक्सेट योर गेज ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर सम टाइम एंड देन मूव योर गेज टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी परसिव्ड एज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी ओरिजिनल मूविंग ऑब्जेक्ट तो मोशन आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है जब आप किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उस पर आप थोड़ी टाइम के लिए कुछ सेकंड के लिए कुछ मिनट्स के लिए आप उसको लगातार देखते रहते हो ठीक है उसको देखते रहते हो लगातार बिना उधर से नजर हटाए देन मूविंग देन मूव यूर गेज टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और उसके बाद उस कुछ मिनट्स के बाद आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर डालते जो कि मूव नहीं कर रहा है तो उसके तो उस टाइम क्या होगा देन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी परसीव्ड एज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उस टाइम पर जो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है जब आप उसकी तरफ देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको मूव करता हुआ दिखेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्या होता है एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में मान लो राइट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ठीक है कोई सर्कल है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कर रहा है और बहुत देर तक आप उसे देख रहे हो उसके बाद फिर आपने एक ऐसे सर्कल को परसीव करा ऐसे सर्कल को देखा है इस ऑब्जेक्ट को जो मूव नहीं कर रहा है तब जब आप उस सर्कल को देखोगे जो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में जो मूव करते जा रहा है फिर आप उसको देखो जो मूव कर ही नहीं रहा है तो आपको क्या परसीव होगा कि वो सर्कल जो मूव नहीं कर रहा है वो भी मूव कर रहा है वो सर्कल जो दूसरा सर्कल है वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है बट आपको क्या परसीव होगा कि वो सर्कल भी मूव कर रहा है ये होता है मोशन आफ्टर इफेक्ट में दिस फेनोमिना इज नोन एज एम ए ई एंड ओकर ड्यू टू मोशन एडेप्शन इस फेनोमिना को कहते हैं एम ए ई मोशन आफ्टर इफेक्ट और ये क्यों कर होता है मोशन एडेप्शन की वजह से क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा लगातार बहुत देर के लिए तो आपके तो आपके ब्रेन में वो स्टोर हो गया इन्फॉर्मेशन मोशन एडप्शन हो गया तो जब आप किसी और तुरंत किसी और ऑब्जेक्ट को देखोगे तो थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि वो भी मूव कर रहा है तो ये आपने काफ़ी सारे YouTube पर भी और बहुत सारे ऐसे इमेजेस भी देखे होंगे जिसमें एक व्हील होती है कोई सर्कल होता हो, है वो लगातार घूमता रहता है मैं भी एक इमेज डालती हूँ अब जैसे इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिख रहा है इस इस इलस्ट्रेशन में एक ऑब्जेक्ट है एक सर्कल है इलस्ट्रेशन में आपको एक सर्कल दिख रहा है तो अगर ये इलस्ट्रेशन मूव कर रही होती है मेरे पास मूव वाला था नहीं अगर इसी इलस्ट्रेशन को आप मूव करते हुए देखो तो इससे क्या होता है कि अगर ये इलस्ट्रेशन मूव कर रही है जो ये जो सर्कल ये मूव कर रहा है कर रहा है आप इसको बिना रुके बिना नजरें हटाए लगातार कुछ मिनट्स के लिए कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको देख रहे हो लगातार और उसके बाद जब ये स्टॉप हो जाए मूव करना तब आप इसे देखोगे तब आप क्या लगा कि अपोजिट साइड में मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आपको परसीव होता है आपके पास बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियोस या फिर गूगल पे बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे आपको आप देख सकते हो जा करके तो ये इसे क्या कहते हैं मोशन आफ्टर इफेक्ट एक बार अगर आपने कोई चीज़ बहुत देर तक जो मूव कर रहा है आप उसको देखोगे और दोबारा आप किसी ऐसी चीज़ को तुरंत किसी ऐसी चीज़ को देखोगे जो मूव नहीं करे तो आपको वो भी मूव करती हुई दिखेगी ये होता है एम ए ई मोशन आफ्टर इफेक्ट अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है इंड्यूस्ड मूवमेंट तो इंड्यूस्ड मूवमेंट क्या होता है व्हेन ए स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी इज सराउंडेड बाय लार्जर मूविंग बॉडी देन स्मॉलर बॉडी इज परसीव्ड टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू लार्जर बॉडी ड्यू टू दिस फेनोमिन वी परसिव मून एज मूविंग वैन इट इज सराउंडेड बाय स्लोली मूविंग क्लाउड्स तो इंड्यूज मूवमेंट में क्या होता है एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है एक लार्ज ऑब्जेक्ट है और जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा है मूव कर रहा है तो उससे हमें क्या परसीव होता है कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो तो वो तो मूव कर रहा है बट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओके अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो और इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे हम और अच्छे समझ जाएंगे इसे मून का एग्जाम्पल मून और क्लाउड्स का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे ड्यू टू दिस दिसमोना वी परसीव मून एज मूविंग वैन इट इज सराउंडेड बाय स्लोली मूविंग क्लाउड्स तो इस सिलस्ट्रेशन में क्या है मून है और उसके में सारे में बहुत सारे क्लाउड्स हैं अब कभी कभी क्या होता है तो जब हम देखते हैं तो बादलों के पीछे जो है चांद छिप जाता है बादल चलते रहते चलते रहते हैं और जो चांद होता है वो बादलों के पीछे छिप जाते हैं वो मूव कर रहे होते हैं उसके अराउंड चांद तो एक ही है मून एक ही है बट जो क्लाउड्स है वो क्या है बहुत सारे वो लार्ज जो है लार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे लिए अगर हम इस तरीके से देखें तो लार्ज ऑब्जेक्ट है लार्ज मूविंग बॉडी है और हम क्या परसीव करते हैं कि जो मून है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चांद लेफ्ट साइड से अगर अगर जो क्लाउड्स हैं वो लेफ्ट साइड से चल रहे हैं लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो हमें क्या परसीव होगा कि जो मून है वो राइट साइड राइट डायरेक्शन में जा रहा है और एक दूसरे वो जो मून है वो राइट right डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में क्लाउड्स की तो मून मूव कर रहा है हमें ये परसीव होता है बट एक्चुअल में जो क्लाउड्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो ये होता है इंड्यूस्ड मूवमेंट अब नेक्स्ट है फोर्थ अपेरेंट मूवमेंट और स्टोर स्टोरबोक् मोशन फर्स्ट गिवन बाय जस्टल थेरिस्टिक वर्थेमेर 1912। सबसे पहले इसे थेरिस्ट ने वर्थेमेर ने, ने 1912 में प्रपोज किया था इस इस अपेरेंट मूवमेंट और स्टोर मोशन को इन दिस व्हेन स्टेशनरी सक्सेशन इट इज परसीव्ड इन अ मोशन तो इस फिनोमोना में क्या होता है कि अगर कोई स्टेशनरी स्टिमला है स्टेशनरी स्टिमला यानी कि स्टेशनरी यानी कि उसको उसमें कोई मूवमेंट नहीं है बट हम उसे सक्सेशन में प्रेजेंट करते हैं यानी कि बढ़ते क्रम में यानी कि उसे वो बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या परसीव करते हैं कि वो मोशन में है अभी हम इलस्ट्रेशन देखेंगे जो हमें बुक में दे रखी है तो ये इलस्ट्रेशन आपके सामने इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि ये जो स्टिमलस है इनको सक्सेशन में प्रोवाइड करा गया प्रेजेंट करा गया सक्सेशन में कैसे पहले ये डॉट इधर थी फिर ये इधर फिर इधर और फिर लास्ट में तो ये सक्सेस हो रहा है कि पहले इधर फिर आगे फिर और आ गया फिर लास्ट में तो जब हम इसे बहुत स्पीड में जब हम इसे चलाएंगे जैसे बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो बनती हैं या फिर जो मूवीज़ हैं क्लिप्स हैं वो इसी तरीके से बनते कि हम उन्हें उन फोटोग्राफ्स को वो जो स्टेशनरी में लाया है हम उसे इतनी स्पीड में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे टेक लेते हैं इस तरीके से उसे प्रजेंट करते हैं कि वो हमें एक वीडियो की तरह मोशन में प्रसीव होती है क्योंकि हम उससे सक्सेशन में कि जैसे बहुत सारे अपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे वीडियोज़ होती हैं हम उनसे वीडियोस कैसे प्रसिव करते हैं बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती हैं बहुत सारी फोटोग्राफ्स होते हैं जिनको इस तरीके से यानी कि सक्सेशन में कि अभी कोई पर्सन है उसका हाथ अभी इधर है फिर पीछे जाएगा मतलब ऐसे भी नहीं फिर पीछे जाएगा फिर और पीछे मतलब कोई इंसान चल रहा है तो पहले उसका जैसे इंसान के पैर हैं तो अभी उसका पैर इधर है फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर तो उनको इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कि हमें वो मोशन में परसीव होते हैं इसे बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन कि हम एक रेस्टिंग पोजीशन में कोई स्टिमुलस है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हम उसे मोशन में परसीव करते हैं क्योंकि हम उसे प्रेजेंट सक्सेशन में प्रेजेंट करते हैं बढ़ते क्रम में प्रेजेंट करते हैं क्या वो और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स होती, छोट -छोटी होती है छोटी छोटी इमेजेस होती हैं जैसे कि वीडियोज़ में होता है होती फोटोग्राफ्स ही हैं बट हमें प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि वो हमें मोशन में एक वीडियो में प्रसीव होती है तो ये होता है अपेरेंट मूवमेंट मूवमेंट परसेप्शन हमने कवर कर लिया अब नेक्स्ट क्या है साइज परसेप्शन तो साइज परसेप्शन क्या होता है वी विल डिस्कस दोज मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन जजिंग द साइज ऑफ द स्टिमला अब इसमें जैसे मूवमेंट परसेप्शन में हमने मूवमेंट को परसीव करते हैं वैसे ही हम साइज परसेप्शन में स्टिमुलस के साइज को जज करते हैं कि किसी भी स्टिमुलस का अगर वो मूव कर रहा है अगर वो मूव नहीं कर करे तो उसका साइज क्या है Our ability एबिलिटी टू जज दिस साइज ऑफ दिमिला करेक्टली इवन विद द चेंज इन द डिस्टेंस has बीन explained यूजिंग थ्री हाइपोथेसिस तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो उसकी डिस्टेंस हमसे चेंज भी हो गई है जैसे एयरप्लेन है अगर हम उसे बिल्कुल क्लोज पास से देखेंगे तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा अगर हम वो आसमान में स्काई में फ्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसका साइज जो है वो डिफरेंट होगा फिर भी हम उससे किस तरीके से उसकी साइज को जज ज़ करते हैं वो सब किस में आता है साइज परसेप्शन में और थ्री हाइपोथिस के थ्रू हम इसे जज करते हैं जिसमें फर्स्ट है साइज डिस्टेंस इन वेरियंस हाइपोथेसिस एस डी आई एच साइज डिस्टेंस इन वेरियंस हाइपोथेसिस एस डी आई एच तो इसमें क्या होता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दैट द परसीव्ड साइज ऑफ द स्टिमुलस इज प्रोपोर्शनल टू द दसीव डिस्टेंस तो इस हाइपोथेसिस तो तो में क्या होता है कि बेसिकली जो भी हम साइज परसीव करते हैं किसी स्टिमुलस का जो हम साइज परसीव करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है परसीव डिस्टेंस के जो भी हम डिस्टेंस परसीव कर रहे हैं और जो हमने साइज परसीव करा किसी स्टिमूलास का वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं इफ़ फर्दर स्टेट्स दैट इफ़ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस इज अवेलेबल देन साइज ऑफ द स्टिमूला इज इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन रेटिनल इमेज और इसको आगे फर्दर इसको क्या कहा गया था कि अगर जो इंफॉर्मेशन है डिस्टेंस के बारे में दे रखी है कोई ऑब्जेक्ट है हमें उसकी डिस्टेंस पता है और हम उसका अब साइज़ कैसे पता लगाएंगे हम उसका साइज इंटरप्रेट करेंगे उसकी रेटिनल इमेज के अकॉर्डिंग क्योंकि जो साइज़ है जो हम परसीव परसिव्ड साइज है और जो परसीव डिस्टेंस वो क्या है प्रोपोर्शनल है ठीक है तो अगर हमें डिस्टेंस पता है परसीव डिस्टेंस हमें पता हम जो एक्चुअल डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो हमें पता है तो हम क्या करेंगे जो डिस, जो साइज़ है वो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे उसकी रेटिनल इमेज की हमारी रेटिना पर क्या इमेज बनी है हावएर इफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल देन साइज ऑफ दिस स्टिमुला इज जस्ड बेस्ड ऑन द विजुअल एंगल अलोन और अगर ऐसा होता है कि अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता तब हम कैसे परसीव करते हैं साइज को कैसे पता लगाते हैं कि जो भी विजुअल एंगल है हम जज करते हैं जो हम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो विजुअल एंगल बनता है हमारी आइज़ पे और उससे हम जज करते हैं कि किसी भी स्टिमुलस का साइज़ क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एज़ फॉलोज और इसको मैथमेटिकली किस तरीके से हम प्रसीव कैसे शो करते हैं जिसमें है एस प्राइम प्रोपोर्शनल टू डी प्राइम इजक्ल टू एफ थीटा थीटा का साइन भी आएगा इसमें एस प्राइम को क्या एस प्राइम क्या है परसीव्ड साइज जो भी हम साइज किसी भी स्टिमुला का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम परसीव करें उससे उससे बोला जाता है एस प्राइम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और डी प्राइम क्या है परसीव्ड डिस्टेंस जो हम हम डिस्टेंस परसीव करें और थीटा क्या है विजुअल एंगल इट इज दी एंगल मेड बाय आवर आइज आफ्टर लुकंग एट द ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल क्या है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस टाइम पर हमारे आइज पर जो एंगल बनता है वो क्या है विजुअल एंगल तो ये पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है साइज डिस्टेंस इन्वेरियंस हाइपोथेसिस की कि किस तरीके से जो साइज़ है वो हम किस तरीके से परसीव करते हैं कैसे पता लगाते हैं डिस्टेंस कैसे डिस्टेंस के, के मदद से कैसे हम साइज़ का पता लगाते हैं अगर हमें पता है डिस्टेंस क्या है और अगर हमें पता नहीं है जब भी तो दोनों तरीक़ों से हमने समझ लिया है कि साइज डिस्टेंस इन्वेरियंस हाइपोथेसिस में क्या होता है अब हम नेक्स्ट सेकेंड पर जाएंगे सेकेंड है फेमिलियर साइज थ्योरी क्यू दिस क्यू इज़ यूज टू जज नॉट ओनली साइज बट ऑल्सो डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ दिस ट्रीमलाइ इस थ्योरी में क्या है फैमिलियर साइज थ्योरी में या फिर ये क्यू क्या है कि दिस क्यू इज़ यूज टू जज इस क्यू का मतलब इस क्यू का यूज़ किया जाता है सिर्फ साइज़ को जज करने के लिए नहीं इसका यूज़ किया जाता बल्कि डिस्टेंस और डेप्थ को जज करने के लिए भी इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है किसी भी स्टिमला की डिस्टेंस डेप्थ और साइज तीनों चीज़ को जज करने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है वी नो द विजुअल एंगल फॉर अ स्टिमिलाज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द डिस्टेंस विजुअल एंगल क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते तो जो एंगल बनता है हमारे एज़ में वो उसमें बोलते हैं विजुअल एंगल जिसे थीठा से शो किया गया था तो विजुअल एंगल जैसे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ उसका डिस्टेंस जो है कम होता जाता है जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आता जाता है और हमारे आई से उसका डिस्टेंस के कम हो रहा है वैसे ही जो विजुअल एंगल है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है जैसे डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी वैसे ही विजुअल एंगल भी डिक्रीज होगा आर ब्रेन यूजेज दिस इन्फॉर्मेशन विजुअल एंगल अलॉन्ग विद आर प्रीवियस इंफॉमेसन ऑफ द साइज ऑफ द टारगेटेड स्टिमिला है एंड डिटरमाइंस इट्स एक्चुअल साइज डिस्टेंस एंड डेप्थ अब कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी स्टिमिला है हमने उसको अगर पहले भी देखा है तो उसका एक्चुअल साइज़ भी हमारे ब्रेन में और जो हम परसीव कर रहे हैं वो भी हमारे ब्रेन में तो फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है इस इंफॉर्मेशन को जो भी विजुअल एंगल बना है उसके साथ जो हमारी प्रीवियस इंफॉमेसन है जो कि इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से स्टोर है हमारे ब्रेन में उसका यूज़ करता है और उस स्टिमलाई को जो भी टारगेटेड स्टिमुलाई है जिसका हम साइज़ पता लगाना चाहते हैं उसकी साइज़ उसका डिस्टेंस उसकी डेप्थ सबको डिटरमाइन करता है सबको उसका एक्चुअल साइज क्या है उसकी डिस्टेंस क्या है उसका डेप्थ क्या है उसको पता लगाता है जैसे कि हमने प्लेन का एग्जाम्पल लिया था पहले लास्ट वीडियो में कि जब हम किसी प्लेन को देखते हैं एयरप्लेन को उसका एक्चुअल साइज हमें पता होता है कि वो बहुत बड़ा होता है और जब हम उसे आसमान में देखते हैं तब क्या होता है वो बहुत छोटा दिख रहा होता है तो हमारे ब्रेन के पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसका वो यूज़ करता है और जो प्लेन का एक्चुअल साइज़ है डिस्टेंस है हमसे उसकी डेप्थ क्या है उस सबको पता लगा लेता है तो ये होता है फैमिलियर साइज थ्योरी में अब आगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेमिलियर साइज इन्फ्लुएंसेस आर साइज परसेप्शन विच इंटर्न इन्फ्लुएंसेज आर डिस्टेंस परसेप्शन तो अगर हम इस थेरी को माने कि जैसे हमने प्लेन को पहले से देख रखा तो हमारे पास उसकी फैमिलियर साइज़ है और फिर हमने उसके आसमान में देखा तब हमें जा कर के हम उसे कंपेयर कर पाए हैं तो अगर हमने तो इससे क्या पता चल रहा है इस थेरी से कि फैमिलियर साइज influences आर साइज परसेप्शन कि जो फैमिलियर साइज़ है वो हमारे साइज परसेप्शन को इन्फ्लुंस करता है कि एयरप्लेन को हमने पहले भी देख रखा है कि हाँ वो बहुत बड़ा होता है और फिर हम उसे दोबारा देख रहे तो हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हमने पहले देख रखी है उसका एक्चुअल साइज़ ये होता है बट ये दूसरा साइज़ है तो ये फैमिलियर साइज से हम उसे कंपेयर करते हैं और वो हमें इन्फ्लुएंस भी करता है हमारे साइज परसेप्शन को और जैसे ही साइज परसेप्शन इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे डिस्टेंस परसेप्शन भी इन्फ्लुएंस होती है उसके साथ साथ हाउ एवर लेटर टू साइकोलॉजिस्ट गूगल एंड द साइलवा नाइनटीन एटी सेवन प्रोपोज दैट थियोरी ऑफ फैमिलियर साइज इज़ वैलिड इन ओल्ड कंडीशंस और आगे चल के दो साइकोलॉजिस्ट गूगल एंड द सिल्वर 1987 में उन्होंने क्या कहा कि जो ये थेरी ऑफ फेमिलियर साइज की ये हर कंडीशन में वैलिड होती है यानी कि ये जो थेरी ऑफ फेमिलियर साइज की किसी कुछ कंडीशन में नहीं बल्कि हर कंडीशन में ये वैलिड होती है हर कंडीशन में से यूज़ किया जाता है वैन द कंडीशन ऑफ व्यूइंग इज इंप्रोवाइज देन वी यूज ईकोसेंट्रिक रेफरेंस डिस्टेंस टू डिटरमाइन साइज ऑफ द फेमिलियर ऑब्जेक्ट ये जो कंडीशनस होती है व्यूइंग की देखने की वो जब इम्प्रोवाइज होते हैं तब हम क्या करते हैं इकोसेंट्रिक रेफरेंस डिस्टेंस का यूज़ करते हैं और फैमिलियर ऑब्जेक्ट फैमिलियर ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हम पहचानते हैं उसको उसके साइज को डिटर्मिन करने में एगो सेंट्रल रेफ्रेंस डिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो ये होता है पूरा फैमिलियर साइज थ्योरी फैमिलियर साइज़ फैमिलियर साइज से ही पता चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जिसको हम पहले से जानते हैं उससे हम किसी नए ऑब्जेक्ट को तो कम्पेयर कर रहे हैं कि हाँ हमने ये पहले देख रखा है इसका साइज हमें पता है तो हम हम उससे कम्पेयर करें और उसकी मदद से हम डिस्टेंस जैप्थ और साइज़ को परसीव कर पा रहे हैं थर्ड है थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन में क्या है गिप्सन इन 1979 सेवेंटी नाइन इसे किसने इस थ्योरी को किसने प्रोवाइड करा था गिप्सन ने 1979 में हिस आइडियाज रिगार्डिंग साइज परसेप्शन वर्स समराइज बाय एप्सटी नाइनटीन एटी टू और फिर आगे चल करके इसके गिप्सन के आइडिया को आगे चल के किसने समराइज करा था एप्स्टिन ने नाइनटीन एटी टू में देर इज नो परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइज को रिलेटेड विद रेटिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या बताया गया कि देर इज नो परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइज कि जो साइज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम परसेप्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते को रिललेटेड विद द रेटिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके रेटिनल साइज से को रिलेट करते हुए यानी कि एक ऑब्जेक्ट उसकी एक्चुअल साइज है और एक साइज है जो हमारी रेटिना पर जो उसकी इमेज बनी है जो उसका साइज है ठीक है तो हम उसे उन दोनों को कोरिलेट करके हम उसको परसेप्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते परसीव्ड साइज एंड परसीव्ड डिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टिमुलेशन जो परसीव्ड साइज है किसी ऑब्जेक्ट का और जो परसीव्ड डिस्टेंस है आर इंडिपेंडेंट फंक्शन वो दोनों ही एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है इन्फॉर्मेशन के और स्टिमुलेशन के स्टिमुलेशन में यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम साइज हम परसीव करें उसका डिस्टेंस हम परसीव करें दोनों ही इंडिपेंडेंट फंक्शन है इन्फॉर्मेशन के यानी कि दोनों अपने आप होते हैं हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है स्टिमुलेशन में परसीव्ड साइज एंड परसीव्ड डिस्टेंस आर नॉट कैजली लिंक्ड जो भी परसीव्ड साइज़ है और जो परसीव्ड डिस्टेंस है वो कैजअली एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं नोर इज़ परसेप्शन ऑफ साइज मेडिएटेड

जो साइज़ है जो परसिव्ड साइज है और जो परसिव डिस्टेंस है उसे हम लिंक नहीं कर पाते एक दूसरे से को रिलेशन बिटवीन परसिव्ड साइज़ एंड द परसिव डिस्टेंस इज एट्रीब्यूटेड टू द को रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेरिएबल्स ऑफ स्टिमुलेशन विच गवर्नस दीज परसैप्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन जो कोरिलेशन है जो साइज जो परसिव्ड साइज है जो परसिव्ड डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है को रिलेशन है इज एट्रीब्यूटेड टू द कोरिलेशन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जब हम परसीव करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे कुछ स्टिमुलेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें परसीव करने में हेल्प करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्न करते हैं जो हम परसीव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो जब उन वेरिएबल्स के बीच में वो जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं जो कि गवर्न करते हैं किसी भी परसेप्शन को साइज की परसेप्शन और डिस्टेंस की परसेप्शन को उन सब वेरिएबल्स में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए और जब उनमें कोरिलेशन अच्छा होगा तब जा करके साइज़ परसीव्ड साइज और परसीव्ड डिस्टेंस में कोरिलेशन अच्छा होगा तो जो साइज पर जो हम परसिव्ड साइज़ है जो परसिव्ड डिस्टेंस है वो किससे एट्रीब्यूटेड है किस पे किस पे निर्भर करता है कि जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं उनके बीच का क्या कोरिलेशन है तो थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन में यही है कि अगर वेरिएबल्स में कोरिलेशन अच्छा होगा तो जो भी हम परसीव कर रहे हैं सारे जो भी हम डिस्टेंस परसीव कर रहे हैं उनमें कोई रिलेशन अच्छा होता है जाकर के हम एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल जो साइज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हम परसीव कर पाएंगे तो ये था थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन तो हमने साइज परसेप्शन यहाँ पे कवर कर लिया अब नेक्स्ट हम जाएंगे एरर्स इन परसेप्शन कि परसेप्शन में क्या कैसे कौन कौन से एरर्स आते हैं एरर्स इन परसेप्शन परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टिमुलस एज इट इज़ परसेप्शन का प्रोसेस है कि हम किसी भी स्टिमुलस को एनालाइज करें उसे अंडरस्टैंड करें जैसे कि वो है एज इट इज़ वैसे ही बट इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल टू परसीव दिस स्टिमला एज दे आर वी मिस्टेक दिस स्टिमुलस एंड परसीव इट स्ट्रॉगली लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि जैसे कोई स्टिमुलस है कोई ऑब्जेक्ट है हम उसे एज इट इज़ परसीव कर पाए कभी कभी हम उसे गलती कर देते हैं हम उसे परसीव करने में एज इट इज़ हम उसे गलत परसीव कर लेते हैं इट मे बी ड्यू टू डिफेक्ट इन आवर सेंस ऑर्गन्स ये क्यों हो सकता है कि हम किसी भी स्टिमुलस को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गलत तरीके से परसीव कर पा रहे हैं या तो हमारे सेंस ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट है या और डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन या फिर ब्रेन की डिफेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से या फिर कोई भी कंफ्लिक्ट है कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है जैसे कि काफ़ी अंधेरे में आप कोई चीज अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हो तो वो वो चीज़ है हमारे माइंड में कोई कंफ्लिक्ट है हम कंफ्यूज हैं या फिर हम स्ट्रेस में हैं एंड सच अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवर्स इन परसेप्शन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि परसेप्शन में एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम परसीव नहीं कर पाते चीज़ों को अच्छे से हमारा परसेप्शन गलत हो जाता है देर आर टू काइंड ऑफ एरर्स और दो तरीके के एरर्स होते हैं परसेप्शन में जिसमें फर्स्ट है इल्यूजन इल्यूजन क्या होता है इल्यूजन इज अ फॉल्स परसेप्शन इल्यूजन क्या है फॉल्स परसेप्शन यानी कि गलत परसीव करना यानी कि स्टिमुलस है हमारे सामने ऑब्जेक्ट है बट हम उसे परसीव गलत तरीके से कर रहे हैं हेर एन इंडिविजुअल परसीव्स अ स्टिमुलस इनकरेक्टली यहाँ पे क्या होता है इल्यूजन में कि कोई भी पर्सन है कोई भी इंडिविजुअल है वो स्टिमुलस को गलत तरीके से परसीव कर लेता है मोस्ट ऑफ आर एल्यूजनस आर विजुअल एंड ऑडिटरी बट एल्यूजन परटेंडिंग टू अदर सेंसेस आर ऑल्सो पॉसिबल ज़्यादातर क्या होता है कि हमें किस तरीके के इल्यूजन होता है हम किस तरीके के जो स्टिमुलस को गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं तो विजुअल या फिर ऑडिटरी यानी कि कोई हम चीज़ या तो गलत देखेंगे गलत हम उससे परसीव करेंगे उसे देख करके या फिर हम गलत सुन करके उसे परसीव करेंगे गलत परसीव कर... गलत आवाज़ें परसीव करेंगे यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने आ, अगर मैं विजुअल और ऑडिटरी का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अंधेरे में क्या होता है कि हम अंधेरे में अगर कोई हम रस्सी भी देख लेते हैं हम उससे क्या समझ लेते हैं कि वो सांप है तो ये क्या हो गया विजुअल विजुअल एरर हो गया विजुअल इल्यूजन होगा कि हमने देख करके गलत प्रसिव कराए और ऑडिटरी में क्या हो सकता है कि जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कभी कभी क्या होता है कि बोल कोई हो रहा होता है और हम उससे कोई और समझ लेते हैं तो ये क्या हो गया ऑडिट्री इल्यूजन कि हम सोच रहे थे कि हमारा कोई फ्रेंड बोल रहे हैं बट हमारी फ्रेंड की मम्मी या पापा बात कर सकते हैं तो क्यों क्या ऑडिटरी इल्यूजन बट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ विजुअल या फिर ऑडिटरी इल्यूजन ही हो सकते हैं और भी जो सेंस और से हैं उनके भी इल्यूजन हमें हो सकते हैं अब नेक्स्ट पहले हम इल्यूजन का एग्जाम्पल देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है इन दी डार्क आर इज मिस्टेक एज अ स्नेक और वाइज वर्सा अंधेरे में क्या हो सकता है कि आप किसी रस्सी को साफ समझ सकते हो या फिर सांप को रस्सी यह हो सकता है ये क्या है इल्यूजन की स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट है आपके सामने बट आप उसे परसीव गलत तरीके से कर रहे हो ये हो गया इल्यूजन ये था विजुअल इल्यूजन का एग्जांपल द वॉइस ऑफ एन अननोन पर्सन इज मिस्टेकन एज अ फ्रेंड्स वॉइस अब ये ऑडिटरी इल्यूजन कि आपने किसी अननोन पर्सन की वॉइस को अपनी फ्रेंड की वॉइस की आपके फ्रेंड की वॉइस समझा तो ये कहता ऑडिटरी इल्यूजन तो इस तरीके से और भी साइंस के इल्यूजन आपको हो सकते हैं अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट नेक्स्ट एरर है हल्यूसिनेशन हेल्यूसिनेशन में क्या है इंडिविजुअल परसीव सम समलस इवन वैन इट इज नॉट प्रेजेंट हल्यूसिनेशन में क्या होता है कि हम ऐसी चीजें परसीव कर लेते हैं ऐसे स्टिमुलस को परसीव कर लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते इल्यूजन में क्या था कि स्टिमुलस है ऑब्जेक्ट है बट आप उसे परसीव गलत तरीके से करो हल्यूसिनेशन में क्या है कि स्टिमुलस है ही नहीं बट आप उसे फिर भी परसीव कर रहे हो तो ये डिफरेंस है ल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में द पर्सन में सी एन ऑब्जेक्ट पर्सन एटसेट्रा और शी और ही मे लिसन टू सम वॉइस थो दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स और साउंडस इन रियलिटी तो क्या होता है कि कोई पर्सन है जिसने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उसने देखा या फिर कोई भी ऐसा पर्सन उसने, उसने देखा या फिर कोई भी ऐसी आवाज़ उसने सुनी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ये क्या हो गया हेल्यूसिनेशन कि हम इमेज इमेजिन करने लगते हैं चीज़ों को हम ऐसे परसीव करने लगते हैं ऐसी चीज़ों को परसीव करने लगते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती

आपके सामने हो ही नहीं रही है बट फिर भी आप उसको परसीव कर रहे हो और और भी हेल्यूसिनेशन आपको हो सकते हैं और भी सेंसेशन के बट विजुअल और ऑडिटरी बहुत ज़्यादा कॉमन है यूजअली इंडिविजुअल्स विद अनसाउंड माइंड एल्कोहलिक्स एंड दोज हु आर इन कन्फ्यूज स्टेट्स में एक्सपीरियंस हेल्यूसिनेशन ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है उस टाइम पर या फिर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं फिर एल्कोहलिक जो पर्सन है या फिर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में कोई पर्सन है उनको हेल्यूसिनेशन ज़्यादा हो सकता है उस सिचुएशन पर जब वो एल्कोहलिक हैं कि आपको उनको कोई गलत आवाज़ सुनाई दे रही है फिर जो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में उस टाइम पर भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ हेल्यूसिनेट कर रहे हैं हवेवर अमंग नॉर्मल एंड एंड इनटॉक्सिकेटेड पीपल हेल्यूसिनेशन आर वेरी कॉमन या फिर इन लोगों को तो होता ही है बट जो एबनॉमल पीपल है जो एबनॉर्मल लोग हैं नॉर्मल नहीं है जो एबनॉर्मल है या फिर इन टॉक्सिकेटेड पीपल हैं उनके लिए हेल्यूसिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है जब किसी को फ्रिजोफ्रेनिया होता है उसमें भी हेल्यूसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है मीन्स वो हेल्यूसिनेशन ही होता है बेसिकली क्योंकि स्क्रीज में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं जैसे आप ड्रीम देखते हो सपने देखते हो उसमें क्या होता है सब कुछ आपको बिल्कुल रियल लग रहा होता है आपको आवाजें भी सुनाई देती हैं जो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं लेकिन आप क्या होते हैं नींद में होते और जैसे आप क्या क्या खुलती है वो सब खत्म हो जाता है बट स्क्रीज में क्या है सब हाँ खोल कर आप पूरे होश होशावास में जाग रहे हो सो नहीं रहे हो तब भी आपको वो सब चीज़ें दिखेंगी भी सुनेंगी भी तो ये होता है हेल्यूसिनेशन आगे क्या है इन एडिशन टू

सेंस परसेप्शन है उसमें अब नॉर्मलिटी होना जैसे मैं ऑल्सो होकर नॉन एस एनएस्थीसिया एनएसथीसिया में क्या होता है कि नो no सेंसेशन कि हम कोई भी चीज सेंस ही नहीं कर पाते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ पे टच हुई हम उसे सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं ये होता है एनएस्थीसिया और हाइपर एस्थीसिया में क्या हुआ है एक्सेसिव सेंसिविटी कि आपको एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सेंस हो रही हैं कि आपको बहुत ज्यादा ही सुनाई दे रही चीज़ें या फिर बहुत ज्यादा आप देख पा रहे फिर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको टच कर रही है तो हो गया एक्सेसिव सेंसिविटी और पैरस्थीसी में क्या होता है डिस्टॉटेड और रॉन्गली लोकलाइट सेंसेस सेंसेशन कि आप गलत यानी कि डिस्टोटेड या फिर आपकी जो सेंसेशन है वो गलत परसीव हो रही है इन दिस केस द टैक्टाइल स्किन सेंसेशन इज रॉन्गली परसिव्ड और इन केसेस में क्या होता है जो हमने अभी पढ़े हैं ये एबनॉम पैरिस्थी एनेस्थीसिया हाइपरिस्थीसिया ये इसमें क्या होता है कि जो टैक्टाइल सेंसेशन यानी कि जो स्किन पे जो सेंसेशन है वो गलत परसीव करते हैं हम कि जो हमारी स्किन पे कोई चीज़ें टच हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा टच बहुत ज़्यादा हमें पर, परसीव होगी या तो बिल्कुल परसीव नहीं कर पाएंगे हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे या फिर हम गलत सेंस करेंगे तो ये क्या हो गया जितने भी एरर्स थे जो हमारी स्किन से रिलेटेड थे वो भी हमने पढ़ लिया हमने हेलूसिनेशन देख लिया हमने इल्यूजन पढ़ लिया तो जितने भी एरर्स हैं परसेप्शन वो हमने कवर कर लिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इल्यूजन अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इल्यूजन की इल्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं इल्यूजन तो हमने पढ़ लिया कि इल्यूजन क्या है हम चीजों को गलत परसीव करते हैं अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इल्यूजन जिसमें फर्स्ट है म्यूलर लायर इल्यूजन इसके लिए हम पहले इलस्ट्रेशन देखेंगे ये आपके सामने इलस्ट्रेशन है इसमें दो एरोज हैं लाइन ए लाइन बी इन दो लाइन्स में देखिए लाइन्स में इन दोनों लाइन्स में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है आपको ये बताना है कि जो लाइन ए है कि जो लाइन ए है ये बड़ी है या फिर लाइन बी आपको दोनों में से कोई भी एक लाइन बतानी कौन सी लाइन ज्यादा बढ़ी है देखिए अगर आपने बोला लाइन ए या फिर आपने बोला लाइन बी क्योंकि दोनों ही गलत हैं दोनों ही लाइंस जो है अगर आपने दोनों में से बोला है किसी को की लाइन ए बढ़िया लाइन बी बढ़िया तो दोनों ही आंसर आपके गलत है क्योंकि बहुत लाइंस आर इक्वल इन लेंथ क्योंकि दोनों ही जो लाइंस है वो लेंथ में इक्वल है इट इज़ अ जोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन नॉन एज म्यूलियर लाइल इल्यूजन जो अभी आपने देखा वो क्या है एक जोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे बोलते हैं म्यूलर लायर इल्यूजन इसमें क्या होता है इन दिस टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द सेम लेंथ अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन होती हैं हमेशा दो स्ट्रेट लाइन होती है और आप उसमें क्या परसीव करते हो दोनों इक्वली लेंथ की होती है बट आप क्या परसीव करते हो कि एक बड़ी है और दूसरी छोटी लाइन्स विद एन इनवर्ड पॉइंटिंग एरो सीम शॉर्टर देन द आउटवर्ड पॉइंटिंग लाइन इसमें क्या होता है कि जो एरो आपने देखी जो लाइन्स आपने देखी जिसमें एरो इनवर्ड थी आपने क्या सोचा कि वो छोटी है और जो लाइन आउटवर्ड थी वो क्या थी बड़ी है आपने क्या परसीव करा कि जो लाइन ए है जिसकी एरो इनवर्ड है वो क्या है वो छोटी है और जो लाइन बी है जिसकी एरोज आउटवर्ड है वो क्या है वो बड़ी है बट एक्चुअल में जो लाइन की लेंथ है वो क्या है बराबर लाइन एक्चुअल में बराबर है एरोज की वजह से आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों बड़ी छोटी बट दोनों एक्चुअल में बराबर है ये क्या है म्यूलर लाइल इल्यूजन ये एक जोमेट्रिकल इल्यूजन है इसे बोलते हैं म्यूलर लाइल इल्यूजन अब हम सेकंड पढ़ेंगे पोंजो इल्यूजन नेक्स्ट पोंजो इल्यूजन में पहले आपको ये इलिस्ट्रेशन देखने इस इलस्ट्रेशन में क्या है रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक की जो दोनों कन्वर्जिंग लाइन्स हैं उनके बीच में हमने क्या बनाया दो आइडेंटिकल लाइन्स दो येलो लाइन्स हैं एक ऊपर है और एक नीचे का पर लाइन एक लोअर लाइन है, है और हम अब आपको पता करना है कि दोनों लाइन्स में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है अगर आप बोलोगे कि जो अपर लाइन है जो अपर लाइन है अपर येलो लाइन है वो क्या है वो बड़ी है और नीचे वाली छोटी है तो आप गलत हो क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल लाइन है दोनों ही दोनों ही लाइन्स का जो साइज है वो क्या है सिमिलर है एक दूसरे के सेम है ये क्या है पौसो इल्यूजन इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है इन विच टू कन्वर्जिंग स्ट्रेट लाइन्स डिस्टोर्ट आर परसेप्शन ऑफ द साइज ऑफ टू आइडेंटिकल लाइन्स डो अक्रॉस इट इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन्स हैं यानी कि रेलवे ट्रैक में जैसे हमने देखी दो कन्वर्जिंग लाइन्स हैं और उन कन्वर्जिंग लाइन्स के अक्रॉस हमने जो दो येल्लो लाइन्स खींची थी वो दो जो रेलवे ट्रैक्स की लाइन्स है वो क्या कर रही है हमारे जो परसेप्शन है उन दो येलो लाइन्स को लेकर के उसे डिस्टोर्ट कर रही है उसे गलत कर रही है कैसे कि जो दोनों येलो लाइन्स हो क्या एक्चुअल में सेम है जो ये दोनों लाइन्स हैं जो ये दोनों लाइन्स है ये येलो ये लाइन अपर लाइन और ये लोअर लाइन ये क्या है दोनों का साइज एक्चुअल में सेम है बट इन रेलवे ट्रैक्स की जो ये कन्वर्जिंग लाइन है जो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही बट हमें परसीव क्या हो रही है कि ये कन्वर्जिंग लाइन्स हैं ये हमारे परसेप्शन को इन दोनों लाइन्स के परसेप्शन को क्या कर रही हैं डिस्टोर्ट कर रही हैं गलत कर रही हैं और क्यों गलत कर रही हैं दी अपर लाइन अपीयर्स टू बी

आगे चलकर के जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है आगे चल करके दोनों लाइन्स एक दूसरे से मिल रही है बट एक्चुअल में ये दो स्ट्रेट लाइन्स होती है जो कभी नहीं मिलती पैरल लाइन्स होते बट हमें क्या सोचते हैं कि ये कन्वर्जिंग लाइन्स हैं हम उस परस्पेक्टिव को यूज़ करते हैं जज करने के लिए और उसकी वजह से जो हमारे येलो लाइन्स के लिए जो परस्पेक्टिव है जो परसेप्शन है वो डिस्टोर्ट हो जाता है वो गलत हो जाता है तो ये थे पॉन्जो इल्यूजन ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है अब थर्ड है एबी इल्यूजन ये क्या है इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ रिलेटिव साइज परसेप्शन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है रिलेटिव साइज परसेप्शन का यानी कि हम इसमें रिलेट करते हैं कि कौन सी चीज किससे बढ़ी है कौन सी चीज किससे छोटी है इसमें हम रिलेट करते हैं हरमन एमेंगे देखो ये जो एमिगस रिलीजन था इसे किसने डिस्कवर करा था इसको डिस्कवर कराता हरमन एविंगस ने इस वजह से इसका नाम किया था एविंगस एबेंगे बट पॉपुलराइज बाय एडवर्ड भी टेक्सनर बट ये किसकी वजह से पॉपुलर हुआ था एडवर्ड बी टिक्शनर इस वजह से दिस इल्यूजन इज ऑल्सो नोन एज टिक्शनर इल्यूजन इस वजह से टिक्शनर सर्कल्स इस वजह से इस इल्यूजन को टिक्शनर सर्कल्स भी कहते हैं अब हम इसके लिस्ट्रेशन देखेंगे अब आपके सामने जो लिस्ट्रेशन है इसमें आपको क्या दिख रहा है दो सर्कल्स हैं एक और दो ऑरेंज सर्कल्स हैं और उसके अराउंड क्या है वह सारे ग्रे सर्कल्स हैं ग्रे कलर के सर्कल्स हैं अब आपको इसमें यह बताने कि कौन सा ऑरेंज सर्कल जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है एक दूसरे से रिलेट करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देखो अगर आपने बोला है कि कोई भी अगर आपने बोला है जो जिसके है सर्कल्स ग्रे बड़े हैं वो ज़्यादा बड़ा है या फिर छोटा है तो उसकी वजह से क्या है कि आपके दोनों आंसर जो हैं गलत हैं अगर आपने बोला है कोई भी एक बड़ा या छोटा है क्योंकि दोनों ही ऑरेंज सर्कल्स का हैं वो सेम सेम साइज़ के हैं बट हमें क्यों ये परसीव हो रहा है क्योंकि हमने रिलेट करा है क्योंकि जो क्योंकि जो फ्लावर नंबर ए है जो फ्लावर नंबर ए है जिसके अराउंड जो सर्कल्स हैं ग्रे सर्कल्स वो साइज़ में बड़े हैं और जो बी है उसके जो ग्रे सर्कल्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं इस वजह से हमें क्या परसीव हो रहा है कि जिस जो ए ए है जो ए फ्लावर है उसका जो ऑरेंज सर्कल है वो छोटा है और जो बी फ्लावर है उसका जो ऑरेंज सर्कल है वो क्या है वो बड़ा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो ये क्या है इल्यूजन रिलेटिव साइज बोथ ऑरेंज सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज द परसेप्शन ऑफ द साइज ऑफ ऑरेंज सर्कल्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ग्रे सर्कल्स जो साइज हमने परसीव करा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था ऑरेंज सर्कल का साइज वो डिपेंड कर रहा था ग्रे सर्कल के साइज पे क्योंकि ग्रे सर्कल्स वो कहते हैं उस साइज में डिफरेंट थे जो फ्लावर ए है उसके साइज़ जिसके जो ग्रे सर्कल्स है उसके साइज़ बड़ा है और जो फ्लावर बी है उसके ग्रे सर्कल्स का साइज़ छोटा है इस वजह से जो हमें ऑरेंज सर्कल्स में क्या हुए छोटे बड़े परसीव हुए बट एक्चुअल में वो सेम साइज़ के हैं ये था एम्बेनियस एल्यूजन अब फोर्थ क्या है द एम्स रूम इल्यूजन इसका नाम एम्स रूम इल्यूजन क्यों पड़ा डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन ऑप्थेमोलॉजिस्ट एडलबर्ट एम्स जूनियर तो जो अमेरिकन ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे एडलबर्ट एम्स जूनियर इन्होंने इसे डिस्कवर करा था इस वजह से इसका नाम क्या है द एम्स रूम इल्यूजन दिस एन ऑप्टिकल इीजन लीड्स टू डिस्टोर्शन ऑफ परसन ऑफ रिलेटिव साइज और ये भी इसमें भी क्या होता है रिलेटिव साइज होता है हम रिलेट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो परसन है वो रॉन्ग हो जाता है distort, डिस्टोर्शन हो जाता है उसमें टू एन ऑब्जर्वर अ पर्सन स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इज परसिव एज अ सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द पर्सन स्टैंडिंग इ अनदर कॉर्नर इसके लिए हम एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं इस इलिस्ट्रेशन में क्या है एक पर्सन है दोनों एक ही रूमर एक ही रूम में दोनों पर्सन खड़े हैं बट क्या हमें परसीवर है कि जो पर्सन यहाँ पर खड़ी है ये जो लड़की इधर खड़ी है ये बड़ी है और ये जो लड़की इधर खड़ी है ये क्या है छोटी है बट एक्चुअल में दोनों की हाइट सेम है एक्चुअल में ये एक ही लड़की है जो दो जगह खड़ी है जब इस तरीके से इसे दिखाया गया है कि जो दोनों पर्सन है वो सेम है बट क्या है कि जो वॉल है उसकी हाइट ऐसे है वॉल को इस तरीके से बनाया गया है इसकी वजह से जो लड़की इस साइड जो लड़की इधर खड़ी है ये हमें हाइट में बड़ी परसीव हो रही है और ये हाइट में छोटी परसीव हो रही है ये एम्स रूम इल्यूजन है कि वॉल की वजह से सीलिंग की वजह से सीलिंग की हाइट की वजह से हमें इन दो पर्सन की हाइट जो है डिफरेंट नज़र आ रही है इसकी रजिस्ट्रेशन आपकी बुक में भी है जिसमें आपको दिखा रखा है कि दो पर्सन है वो कॉर्नर्स में खड़े हैं रूम के कॉर्नर में खड़े हैं और जिसकी वजह से जो सीलिंग की हाइट की वजह से हमें दोनों पर्सन की हाइट जो है डिफरेंट परसीव हो रही है रूम इल्यूजन एम एस रूम इल्यूजन अब लास्ट है इसमें द मून इल्यूजन मून लुक्स बिगर ऑन होन दॉरिजन देन वेन इट कम्स ओवर क्या परसीव होता है हमें कि जो चांद होता है आपने कभी नोटिस करा होगा जो तो चांद होता है जब वो अपने हॉरिजन पर होता है तब हमें वो बड़ा परसीव होता है और जब वो हमारे सर पर होता है यानी कि बिल्कुल मिडिल में होता है उस टाइम पर वो क्या परसीव होता तो है छोटा परसीव होता है बट एक्चुअल में ये नहीं होता है हवेवर इन रियलिटी देर इज़ नो डिफरेंस इन द साइज ऑफ मून रियलिटी में जो साइज़ होता है वो चेंज नहीं होता बट हम उसे इस तरीके से परसीव करते हैं और परसेप्शन ऑफ द मून हैविंग डिफरेंट साइज एट होरिज़न एंड जेनिथ इज नॉन एज मून इल्यूजन और ये जो डिफरेंस होता है ये जो हमारे परसेप्शन होते हैं मून को लेकर के उसके साइज़ में डिफरेंस को लेकर के होरिज़न पर और जेनित पर जेनीत पर ये क्या होता है इसे क्या कहते हैं इसे बोलते हैं मून इल्यूजन कि हमें ने कि हमने मून को गलत तरीके से परसीव करा उसके साइज को इस सिलस्ट्रेशन से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अभी आपके सामने जो लिस्ट्रेशन है इसमें आपको दो तरीके से चंद दिख रहा है एक तो मून इल्यूजन के साथ जो हम प्रसिव करते हैं और एक है एक्चुअल ट्रू स्काई में क्या होता है तो यहाँ पर यह पर्सन खड़ा है मून इल्यूजन में अगर ये मून को देखेगा तो हॉरिजन पर इसे मून क्या दिखेगा बड़ा और जैसे जैसे जो मून है वो दैनिक तक आएगा ओवरहेड आएगा तब क्या होगा मून का साइज़ क्या होगा छोटा होता जाएगा इसके परसेप्शन में इस पर्सन के परसेप्शन बट एक्चुअल में ट्रू स्काई में क्या है मून का साइज़ क्या है वो सेम है उसमें कोई चेंज नहीं आया मून के साइज़ में तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं मून इल्यूजन ये क्या है मून इल्यूजन दिस इल्यूजन ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ स्काई एज अ फ्लैट एंड डोम एंड दस फोर्सिंग आर ब्रेन टू रिड्यूज दाइज ऑफ द मून एट जीनीट और ये जो हमारा परसेप्शन होता है इस ये इल्यूजन क्यों होता है क्योंकि जो हम स्काई को किस तरीके से परसीव करते हैं एक फ्लैट एंड डोम की तरह एक डोम की तरह और जो कि हमारी ब्रेन को फोर्स करता है कि हम जो मून का साइज है decrease उसे डिक्रीज करते जाए उसे रिड्यूस करते जाए जीनीट तक आते आते हैं वो जैसे ही हॉरिजन पर मून आएगा वो उसका साइज़ क्यों होगा बड़ा होता जाएगा तो ये हमारा परसेप्शन होता है हम स्काई को एक फ्लैट एंड डोम की तरह परसीव करते हैं इसे परसीव करते हैं एक डोम की तरह स्काई को एक हम डोम की तरह से परसीव करते हैं जिसकी वजह से हम इसके साइज़ को भी मून के साइज़ को भी हम डिक्रीज़ करते जाते हैं जैसे, जैसे जैसे वो जीत पर आता है और जैसे वापस ऑरिजन पर जाता है हम उसका साइज़ को बड़ा करने लगते हैं ऐसे हम परसीव करते हैं तो ये था मून इल्यूजन और इसी के साथ ये यूनिट इधर खत्म हो गई फोर्थ यूनिट भी हमने इस बी पी सी वन जीरो वन बुक के हमने कवर कर लिया है आई होप कि आपको अच्छा लगा अगर आपको तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ और अपना फीडबैक जरूर दें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोज़ बनाएं, सो so, प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर जरूर करें कमेंट करके अपनी फीडबैक अपना क्वेरी जरूर दें और लाइक ज़रूर करें शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें